हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ITI बेस के लिए, ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये भर्ती है फ्रेशर छात्रों के लिए। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में जो आप लोगों के लिए अपडेट लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए सरकारी परमानेंट भर्ती लेके आए हैं, वो आपका CTU के तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बात करेंगे तो आपका 20,200 यहां पे बेसिक सैलरी मिलेगा और इसमें आपको TA DA और भी बहुत सारे अलाउंस जो है देखने को मिलेंगे, जैसा आपका एक परमानेंट रिक्रूटमेंट सरकारी भर्ती में देखने को मिलता है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ITI बेस पास आउट हैं, ITI पास आउट किए हैं। तो अब बात रहा कि कौन कौन सा ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा, अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, रेलवे का इसके साथ साथ ITI बेसिस पे जो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट आता है, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा काम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अभी जिस CTU भर्ती के बारे में हम बात करेंगे उसका ऑफिशियल अप्लाई लिंक और PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम को वहां पे ज्वाइन कर लेना है और वहां पे आपको ये जो PDF है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे और फर्दर जो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया सारा प्रोसेस को एक के बाद एक समझने का प्रयास करते हैं। ये साथियों हम फाइनली आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का भर्ती कोई भी छात्र से छूटे। अगर आपने पढ़ाई की है, ITI में अच्छा खासा प्रिपरेशन किया है, तो इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरिएगा। कटअप बहुत कम जाता है और आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। देखिए ये भर्ती आपका जो रिलीज हुआ है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलीज हुआ। बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर ये चंडीगढ़ का है तो क्या हम UP वाले भर सकते हैं, बिहार वाले भर सकते हैं, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब वाले भर सकते हैं? तो ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब CTU के तरफ से ये भर्ती आपका इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ से रिलीज किया गया है, जिसमें बात करेंगे तो रिक्रूटमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ इन वेरियस कैटेगरी ग्रुप सी के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है वो आप लोगों के लिए निकाला गया है। आगे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम दी इंडियन मेल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं, फीमेल के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उन लोगों के लिए हम नेक्स्ट भर्ती में बात करेंगे। फॉर दी पोस्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ इन वेरियस कैटेगरी ऑन ए रेगुलर बेसिस इन चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग UT चंडीगढ़। तो यहां पे देखिए आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया कि रेगुलर बेसिस पे आपको यहां पे हायरिंग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट डेटेस के बारे में बात करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 है। यहां पे ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 15 जून 2024 से ये जो आवेदन है शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे देख लीजिए 14 जुलाई 2024 तक भारतवर्ष के संपूर्ण छात्र जो ITI पास आउट है वो इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो फीस पेमेंट का लास्ट डेट आपको 2 दिन अंतिम तिथि से ज्यादा रखा गया है, अर्थात 16 जुलाई तक आप इसका फीस पेमेंट कर सकते हैं। इतना बात आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे, सारा कुछ बात करेंगे। उससे पहले कौन कौन सा पोस्ट है, कौन कौन सा ट्रेड है वो देख लीजिए। तो यहां पे सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उससे पहले यहां पे लास्ट डेट के बारे में फिर से बताया गया है कि 14 जुलाई 2024 यहां पे लास्ट डेट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल रहा 68, मतलब 68 टोटल वैकेंसी यहां पे जो है रिलीज किया गया है। अब बहुत सारे छात्र के मन में सवाल होगा सर वैकेंसी तो बहुत कम है। अब देखिए साथियों, यहां पे जो छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, वहां से जब सरकारी भर्ती निकल के आती है ना तो कम ही नंबर में रहता है, क्योंकि वर्कशॉप छोटे होते हैं तो वहां पे जितने इंप्लॉय की जरूरत रहती है उसके अकॉर्डिंग यहां पे नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो अभी वर्तमान में 68 है, बाकी ट्रेड वाइज देखिए। हालांकि ये सारी भर्ती के बारे में बहुत सारे छात्र नहीं, उनको भी नहीं पता होता है तय समय सीमा के अंतर्गत। उनको जब पता चलता है, जब इसका एग्जाम हो जाता है, जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं तब पता चलता है कि हाँ भारत में इस तरह की भी भर्ती आती है ITI बेसिस पे। तो वैसा गलती आपको नहीं करना है, आप अगर एलिजिबल हो गए तो जरूर फॉर्म भरिएगा। इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सबसे प्लस पॉइंट ये है। यहां पे बात करते हैं कि यहां पे देखिए मैकेनिक के अंतर्गत जितनी भी ट्रेड आती है, ठीक है, मैकेनिकल के अंतर्गत सबको यहां पे मौका दिया गया है। यह आपका
एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग है तो ये हम नहीं देखेंगे एक्स सर्विसमैन वाला, हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ आईटीआई बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट है उसको देखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला भर्ती क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ मैकेनिक, ठीक है। तो मैकेनिक में आपसे क्या मांगा गया है, 10+2 इसके साथ शुड हैव ए सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम आईटीआई, ठीक है। यहां तक आपको रुक जाना है, इसके बाद जो बताया गया उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे सिंपल आपको बोला गया है कि आपके पास मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत आईटीआई अगर आप पास आउट है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका डाउट हो सकता है कि सर मैकेनिकल में कौन कौन सा ट्रेड आएगा, वो भी हम बताएंगे वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला जा रहा, हालांकि कुछ और टर्म एंड कंडीशन जोड़ा गया है, और एनी गवर्नमेंट रिकोगनाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझ पाएंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है, देखिए यहाँ पे और है, मतलब जिसके पास आईटीआई नहीं है उन लोगों के लिए बोला गया, परंतु आपके पास तो आईटीआई है तो आपको एक्सपीरियंस का कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। पे स्केल आपका देख लीजिए, यहाँ पे 20,200 रहेगा प्लस 2800 ग्रेड पे आपका रहेगा, लेवल 5 के तहत आपका नियुक्ति होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट जो बहुत ही मेन फैक्टर होता है किसी भी भर्ती का, तो यहां पे अप टू 30 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, 1 जनवरी 2024 के डेट से आपका एज का काउंट होगा, ये भी आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं ट्रेड वाइज कितना वैकेंसी है, तो देखिए ट्रेड वाइज में बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है सबसे ज्यादा जिसमें आईटीआई जो स्टूडेंट करते हैं इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन में बात करेंगे तो टोटल कितना है, ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग है, यहां पे टोटल आपका जो 4 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, वही सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन बताया गया है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई में, ठीक है। ये जो बताया गया ये उन छात्रों के लिए जिसके पास आईटीआई का डिग्री नहीं है। सैलरी आपका सेम 20,200 का ग्रेड पे। अब इसमें जो एज लिमिट बोला गया है वो आपका मैक्सिमम 28 साल एज लिमिट रहेगा, ठीक है। बाकी एसटीएससी और ओबीसी को जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत छूट मिलता है वैसा ही छूट आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। अगला वैकेंसी जो आपका निकल के आ रहा वो आपका कारपेंटर वाले साथियों को निकल के आ रहा, टोटल यहां पे जो भर्ती है 4 और 1 5 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सारा जो प्रोसीजर है सेम इसमें दिया गया है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, इसके बाद आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर में, ठीक है ना। सैलरी ऑलमोस्ट सभी ट्रेड का यहाँ पे सेम है, एज लिमिट वगैरह भी सेम है। वेल्डर में बात करेंगे तो वेल्डर में मात्र एक ही पोस्ट है जो आपका जनरल वालों के लिए निकाला गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने फीटर। अब फीटर वाले देख लीजिए, उन लोगों के लिए अच्छा मौका फीटर वाले साथियों के लिए, जनरल में 17 सीट है, एससी में 5 सीट है, और आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस में 8 सीट है। मतलब ऑलमोस्ट बात करें तो फीटर पे आपको अच्छा खासा जो सीट है वो देखने को मिल रहा है। चलिए अगला यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे 3 सीट है, ठीक है। फीटर में ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे जो 3 सीट है वो दिया गया, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी आराम से यहाँ पे भरिएगा, और आपका भी आईटीआई होना चाहिए फीटर ट्रेड से, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है आपका यहाँ पे असिस्टेंट फीटर, ठीक है। असिस्टेंट फीटर में भी आपका यहाँ पे 5 वैकेंसी रिलीज किया गया है। चलिए अगला ट्रेड की ओर बढ़ते हैं, अगला ट्रेड हमारे सामने आता है वेल्डर। वेल्डर में बात करेंगे तो फिर से आपका 5 वैकेंसी आ रहा, असिस्टेंट वेल्डर है ये, वेल्डर नहीं है, असिस्टेंट वेल्डर है ये, ठीक है। इसमें भी आपका 5 सीट रिलीज किया गया है। अगला बात करेंगे असिस्टेंट कारपेंटर में 1 सीट रिलीज किया गया है। देन यहाँ पे बात करते हैं क्या और वैकेंसी है, हाँ भैया और वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन में देख लीजिए मैकेनिक के अंतर्गत 2 सीट निकाला गया है यूआर कैटेगरी से, ठीक है ना। और बढ़िया आगे यहाँ पे और आपको जो देखने को मिल रहा कि जूनियर टेक्नीशियन टायरमैन कम रबर एक्सपर्ट, इसमें भी 3 सीट निकाला गया है, ठीक है। इसमें भी आपका सेम यहाँ पे भी देखिए आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, और आपका सर्टिफिकेट ऑफ टायरमैन रबर एक्सपर्ट ट्रेड फ्रॉम ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईटीआई ही मांगा गया है इसमें, आपका टायरमैन या फिर रबर एक्सपर्ट में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। चलिए देन बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर से 1 सीट है। देखिए नंबर ऑफ सीट भले ही कम है परंतु ये शानदार जॉब है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो ना तो इतनी सारी सुख सुविधा इसमें मिलेगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये सारा पूरा प्रोसीजर था जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब बहुत सारे छात्र के मन में होगा कि सर हमारा एससी एसटी में तो सीट ही नहीं है, तो डियर अगर एससी एसटी में सीट नहीं है तो आप अनरिजर्व से फॉर्म भर दीजिए, अगर ओबीसी में सीट नहीं है तो आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आपको बस सिलेक्शन लेने से मतलब होना चाहिए, 2-4 नंबर कटअप में अप डाउन होगा। अब देखिए आपको पढ़ना क्या है उसके रिगार्डिंग भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपका 2 पार्ट में पेपर होगा, 2 घंटा का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, मैथ का रहेगा
का, और रीजनिंग में सॉरी इंग्लिश में आपका 10th लेवल तक का इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 30 नंबर यहाँ पे हो गया आपका 30 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होगा और एलिमेंट कंप्यूटर नॉलेज से आपका 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका पार्ट ए जो हो गया 20, 30, 40, 50 नंबर का आपका पार्ट ए होगा। और पार्ट बी में जो आपका है वो रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो आपने ट्रेड से आईटीआई क्वालिफाई किया है, वो आपका 50 नंबर का होगा। मतलब ये सिंपल 100 नंबर का आपका टेस्ट है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि अदर वैकेंसी का भी सभी छात्र प्रिपरेशन, बहुत सारे छात्र रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे, आईटीआई पास करने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते होंगे, तो उन सभी साथियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पे 100 नंबर का और एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें आपका यहाँ पे देखिए कोई भी आपका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह इसमें कंडक्ट नहीं किया कराया जाएगा। और एक मजे की बात बताएं इस भर्ती का, आप लोग सुन के दंग रह जाओगे कि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 100 का 100 आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी आपका क्वेश्चन कटेगा नहीं अगर गलत करते हो तो। आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है ही नहीं, ये भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह का भर्ती दोबारा आप लोगों के सामने नहीं आएगा, इसीलिए जरूर जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। एज लिमिट देख लीजिए, एससी का 5 साल, ओबीसी का 3 साल का एज लिमिट मिलेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का है तो जो रूल है उसके तहत एक्स सर्विसमैन का आपको मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का, तो जनरल ओबीसी और ESM DSM का जो है उनको 800 रुपये का पेमेंट करना है। SC ST एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी जो है EWS के EWS को लेकर उनको 500 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसीजर है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे CTU के ऑफिशियल साइट से जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपका ज़्यादातर कमेंट आएगा तो हम इसके रिगार्डिंग भी आपको बता देंगे कि कैसे इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है ना, बाकी आप लोगों को भर्ती कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और इस तरह का भर्ती रेगुलर आपको मिलते रहेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, महत्वपूर्ण बात कि ये जो आपका PDF है ना, ये PDF आपको मिल जाएगा प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, जहाँ पे 6000 से ज्यादा छात्र जुड़े हुए हैं, आपको भी जुड़ जाना है, ज्वाइन कर लेना, ये जो नोटिफिकेशन है आपको वहां पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।